अगर आप रोज़ रोज़ के वही नाश्ते से हो गए हैं बोर, तो गाइस आज की जो रेसिपी है ना बिल्कुल आपके काम आने वाली है। बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है और बहुत ही क्विक बनती है, बिल्कुल घर में रखी हुई सामग्री से बन जाती है और बिल्कुल 5 मिनट में बन के ये रेसिपी तैयार हो जाएगी गाइस। तो वेलकम बैक टू माई चैनल आवर फूडी मोम, आपकी होस्ट एंड दोस्त नितिका सिंह। तो चलिए बिना देखे हम बनाना शुरू करते हैं, पर इससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेगा। तो चलिए बिना देखे हम बनाना शुरू करते, लेट्स स्टार्ट। इसके लिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले 1 कप के करीब पोहा लिया है। ये नॉर्मल पोहा है, ना तो ये बारीक है ना ज़्यादा मोटा है, ये जो मीडियम टाइप से आता है ना वही पोहा है। अगर आपके पास बारीक हो तो भी चलेगा और मोटा हो फिर भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हमें क्या करना है कि इसे वॉश कर लेना, क्योंकि इसमें जो डस्ट होते हैं ना वो निकल जाए, इसीलिए हमें इसको थोड़ा सा वॉश करना। बस एक बार इस तरह से पानी से आप वॉश कर लें, और वॉश करने के बाद बस अब इस तरह से हमें इसको कवर करके 5 मिनट छोड़ देना है ताकि ये अच्छे से ये पानी एब्जॉर्ब कर ले और हमारा जो पोहा है ना काफ़ी अच्छे से फूल जाए। 5 मिनट बाद काफ़ी अच्छे से जो हमारा पोहा है वो फूल चुका है। अब हमें इसमें डालना है वेजेस। आप अपने मनपसंद कोई भी वेजेस डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पत्ता गोभी लिया है, तो मैंने पत्ते गोभी को छोटे छोटे साइजेस में कट कर ली है। आप चाहे तो कद्दूकस भी कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस पर है। मैंने यहाँ पर क्या किया है, कद्दूकस नहीं किया है, मैंने छोटे छोटे साइजेस में कट कर ली है। और यहाँ पर मैंने लिया है 3 उबले हुए आलू। तो गाइस यहाँ पर 2 से 3 उबले हुए आलू ले लें, मीडियम साइज़ के हैं। अगर आपके पास बड़े साइज़ के तो 2 ले लें, और अगर छोटे हैं तो 4 ले लें। तो इस तरह से हमें ग्रेटर लेना है, और ग्रेटर से क्या करना है, हमें इस तरह से इसको ग्रेट करना है। आप चाहे तो हाँ मैशर से भी मैश कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस पे, क्योंकि जो इसमें चंक्स रह जाते हैं ना, तो फिर वो जब हम इसकी रेसिपी बनाएंगे ना तो वो उतनी अच्छी नहीं बनती है। तो इसलिए थोड़ा सा इसको इस तरह से ग्रेट कर ले। ग्रेट करने के बाद बस इसमें खूब सारा हरा धनिया डाल दें, और हरा धनिया डालने के बाद इसमें बस बहुत ही कम मसाले जाते हैं, बहुत ही कम, बस हल्का फुल्का सा मसाला जाता है, जैसे स्वाद अनुसार नमक, 1 चम्मच करीब चिली फ्लेक्स। आप हरी मिर्च का यूज़ कर सकते हैं अगर आप बच्चों के लिए नहीं बना रहे हैं तो। और यहाँ पर 1 चम्मच पूरा भरकर हम साबुत जीरा डालेंगे, जो नॉर्मल तड़के वाली आती है ना वही। और इसमें 1/2 चम्मच के करीब अमचूर पाउडर डालेंगे। आप अगर आपके पास अमचूर पाउडर ना हो तो आप इसकी जगह आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं। बस इन सबको काफ़ी अच्छे से मिक्स देना है। हमने यहाँ पर बिल्कुल भी पानी का यूज़ नहीं करना है हमें, क्योंकि ये जो पत्ता गोभी है, आलू है, ये अपना मॉइस्चर खुद छोड़ती है, तो बिल्कुल भी आप इसमें पानी ना डालें, ये खुद ही बाइंडिंग होने लगेगा। तो इकाई से काफ़ी अच्छे से बाइंडिंग हो रहा है। बस अब इसमें पानी हाथों को वॉश कर ले, वॉश करने के बाद थोड़ा सा हाथों में ऑयल लगा ले। ऑयल लगाने के बाद बस इस तरह से आप ये पेड़े का इस तरह से बनाए, पेड़ा जैसा, और इस तरह से चपटा कर ले। बस ये हमारा ये इस तरह से टिक्की के जैसा आप इसको इस तरह से शेप दे। अगर आपको जो मन पसंद है वो शेप दे सकते हैं, मैंने यहाँ टिक्की का शेप दिया है। इसके बाद मीडियम टू लो फ्लेम में हमें क्या करना है कि इसे शैलो फ्राई करना है। आप चाहे तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस पे है। और आपकी एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमें जो गैस का फ्लेम है वो मीडियम टू हाई ही रखना है, क्योंकि अगर आप लो रखेंगे तो ये जो ऑयल है ना हमारा जो नाश्ता है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेगा। तो मीडियम टू हमें फ्लेम हाई ही रखना है। तो इस तरह से अलट पलट करके काफ़ी अच्छे से अपने नाश्ते को हमें सेक लेना है। तो इस तरह से ये जो हमारा हेल्दी नाश्ता और बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनके रेडी हो जाएगा। इसे आप ब्रेड के बीचों बीच लगा के भी खाएं, बहुत ही टेस्टी बनता है। आप एक बार ज़रूर बना के देखिए गाइस, ये शाम की चाय में हो या बच्चों के नाश्ते में हो, आप कभी भी इसको बनाकर दे सकते हैं। बच्चे बड़े सब बहुत ही इंजॉय करते हैं, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही कम तेल एब्जॉर्ब करता है, सबसे अच्छी बात ये है, और बहुत ही क्विक बन जाता है। आप इसमें पनीर का भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसमें चीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस पर गाइस, बहुत ही टेस्टी। एक बार ज़रूर बनाना तो बनता ही है। और छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और ये बहुत ही टेस्टी नाश्ता आप एक बार ज़रूर बना के गाइस इंजॉय करिए। आप एक बार ज़रूर, मेरे कहने पे तो एकदम मैं प्रेफर करूँगी कि आप एक बार ज़रूर इस नाश्ते को बनाकर देखिए गाइस, बहुत ही क्रिस्पी अंदर से, बहुत ही सॉफ्ट, और ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। राधे राधे।